गाइस आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रोहित गेमिंग पर। तो आज हम खेलने जा रहे हैं स्काई ग्रिड फिर से, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमको और भी ज़्यादा रिसोर्सेस चाहिए। लास्ट टाइम हमको मिला था वाटर और ये मिली थी चीज़ें, गोल्ड एप्पल, स्टिकी पिस्टन, ये सारी चीज़ें हमको मिली थी। और एक बुक मिली थी जो कि मैंने लास्ट टाइम पढ़ ली थी लास्ट एपिसोड, अब देख लो। तो अभी ना यार आज मेरा मकसद रहेगा कि मेरे को एक फर्नेस बनानी है कम से कम। कोल लूँ या स्टोन लूँ? कैक्टस है वैसे, वहाँ पे आयरन है यार, क्या ले आयरन? वैसे इनने तो पढ़े हैं कि मैं आयरन के पिकैक्स बना सकूँ, पर स्टोन नहीं है ना मेरे पास, कोबल स्टोन। इसके नीचे क्या देखे एक बार, वुड स्टोन, सही है। यहाँ से सीधा नीचे चलते हैं। नहीं सिल्वर फिश भैया, मेरे को नीचे गिर सकती थी। और यहाँ पे स्लाइम ब्लॉक्स हो रहे हैं, जनरेट स्पन्नर है स्लाइम्स का यहाँ पे। तो यहाँ पे कीप इन्वेंट्री हमारी ऑन होती है, इसलिए हम हारने वाले तो हैं नहीं है। ये क्ले ब्लॉक है, मेरे को लगा स्टोन है, फालतू में आ गया मैं यहाँ पे। यार कहाँ पे है हमारा वो स्टोन? वहाँ पे डायमंड दिख रहे हैं हमको, वहाँ पे है एक स्टोन। ट्राई करते हैं अगर हम पहुँच पाए पार कोरिंग करके वहाँ तक। अब इस वुड तक पहुँचना है मेरे को, यहाँ इसके नीचे वाले पे। हाँ अब ठीक है, ये वुड लेंगे और लेंगे हम ये स्टोन। सही तो होना यार, मेरे पास बकेट पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ लावा भी ले लूँ। कोबल स्टोन जनरेटर बना सकते हैं ना हम फिर, ये आयरन लेंगे। यार ये डायमंड मेरे को चाहिए, मैं इधर तक तो पहुँच चुका हूँ और मैं ले नहीं सकता, किस्मत इतनी ख़राब है और मैं गिर भी गया। इससे अच्छी किस्मत किसकी हो सकती है भाई, किसी की भी नहीं हो सकती इतनी सही किस्मत तो। ऑफ कोर्स मेरी किस्मत ही है नहीं सही। सभी से अच्छी मेरी किस्मत भाई, यहाँ पे मेरे सामने एक स्टोन ब्लॉक था और मैं नीचे गिर चुका हूँ, तो अभी गिरना ही पड़ेगा। और हर टाइप का स्पनर है यहाँ पे और स्पाइडर भी आ रहे हैं। और यार ऊपर से मैं भूल के जाता हूँ, यहाँ पे पार्कोर करके जाना पड़ता है हर जगह। रेड डायमंड हर जगह है यहाँ पे, मैं सही बताऊँ तो। यहाँ पे एंड पोर्टल भी है बिल्कुल नीचे। यार और कोई स्टोन दे दो, एक ही रहा। अब यहाँ मैं ये वाला स्टोन ले सकता हूँ, यहाँ वो आगे वाला। एक काम करते हैं, इस वुड को ना प्लैंक बना लेते हैं और इसके साइड में प्लैंक लगाते हैं पहले, तो ऐसे स्नीक करेंगे। यहाँ पे प्लैंक लगाते हैं और अब इसको तोड़ के देखते हैं, काश हमको मिल जाए। मिल गया। अब यार बस दो ब्लॉक की सही पार्कोरिंग हो जाए। अच्छा है, अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये इतना भी सही नहीं है। नहीं ओ, स्टोन के ऊपर लैंड हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कुछ मेलन्स चाहिए मेरे को। अब किस साइड को जाए यार? वैसे हमारे पास कोबल स्टोन कितने हो गए? 8 हो गए हैं हमारे पास, फर्नेस बना सकते हैं अब हम। अब मैं चाहूँ तो सीधा हार सकता हूँ, या यार मैं हार ना चाहूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ये सारी लाइन नीचे तक लेके जाऊंगा और हार जाऊंगा, अगर बीच में ऐसी कोई चीज़ ना जो आयरन पिकैक्स से टूटती हो। बस ये सारी चीज़ें लेंगे और गिर जाते हैं। अब फाइनली हमें काइस बना सकते हैं, कोल हमारे पास पड़ा है, फर्नेस हम बना लेंगे, आयरन भी पड़े हैं हमारे पास। चलो यार पहले अब यही काम करते हैं फिर। और मैं सही बताऊँ ना तो मेरे को 2 क्राफ्टिंग टेबल्स चाहिए, एक और क्राफ्टिंग टेबल बना लो पहले तो। एक हम अपने आइलैंड पे लगाएंगे और एक अपने साथ लेके जाया करेंगे। अब इसमें हमको चाहिए एक फर्नेस। हमारे पास आखिर में एक फर्नेस आ गया, आज का गोल हो गया कंप्लीट। डर्ट्स मेरे पास वैसे कितनी है? एक डर्ट है ना।
मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता, फिर यहाँ पे फिर तो इसके नीचे साइड जाएगा कोल, ऊपर की साइड जाएंगे आयरन। तो मेलन फूड सोर्स है, इसको भी हम बंद रख देंगे। अब मेरा सेकंड गोल है लावा को लेना, इसको यहाँ पे रहने दो। लावा लेने के लिए वैसे भी हमको इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। आयरन की पिकैक्स आते ना, सबसे पहले तो मैंने गोल्ड लेना ही है वाला, जोड़ा मेरे को ललचाता रहता है। किसी साइड लावा है, बिल्कुल मेरे सामने जाके लावा है, मैं लेना चाहता हूँ इसलिए मैं नीचे जाऊँगा। चलो भाई अब हमारे पास लावा आ गया, और यार अब तो शायद से मेरे को नीचे गिरने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मैं पानी से ऊपर नहीं जा सकता क्या? पार्कोरिंग सही हो जाए यार, बस मैं फिर पानी के ज़रिए ऊपर जा। अब हम इसमें कम हारा करेंगे, क्योंकि पहले तो ऊपर जाने का और कोई रास्ता ही नहीं होता था, अब तो पानी है। ओ भाई 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 गिर गया। नहीं यार ऐसा ना करा करो, नीचे एक और लावा था। नहीं यार ये पानी पुश कर रहा है मेरे को ना आगे की तरफ। यार पानी का एलिवेटर बड़ा औखा, ऊपर पहुंचना पानी के एलिवेटर से, आगे नहीं जाने दे रहा। पहली बार हम नीचे गए और बिना हारे ऊपर तक आ गए, हमारी फर्स्ट अचीवमेंट यहाँ की। और हमको मिल चुकी है एक आयरन की पिकैक्स, तो इसको हम नीचे रखेंगे। और इस आइलैंड को हमको एक्सटेंड करना है आगे जाके ना, मेरे को ना थोड़ा सा इस आइलैंड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। मेरे पास कितने सारे हैं ऐसे ब्लॉक्स, ज़्यादा भी नहीं है। मेरे को डर्ट कलेक्ट करनी है वैसे सही में, और कुछ नहीं कलेक्ट करना, डर्ट कलेक्ट करनी है बस मेरे को। इसको अंदर रख देंगे। अब आयरन की पिकैक्स आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ इस गोल्ड को ना ले लें हम पहले, जो कि मैंने कहा था गोल्ड को लेंगे हम पहले। यार अब एक डायमंड चाहिए मेरे को इस बार, कहीं दिखे तो, दूर दूर तक अब नज़र नहीं पड़ रही मेरी। वो रहा एक नीचे डायमंड है, डैमेज तो मिलती है यार नीचे ऐसे जाते वक्त। जा यार ऐसे, और हमारा फर्स्ट डायमंड ब्लॉक, सेटिस्फेक्शन, ये होती है सेटिस्फेक्शन। हमको हमारा फर्स्ट डायमंड ब्लॉक मिल चुका है। इस आयरन को भी तोड़ेंगे हम। आयरन के पिकैक्स मिलने के बाद ना काम आसान हो जाते हैं। और यार मैं ना वुड्डी कलेक्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ना हम इससे पहले हम प्लैंक्स बना सकते हैं, फिर हम स्लैब्स बना सकते हैं। और यार ये स्लाइम को तोड़ना ही पड़ेगा हमको। ओ भाई ये क्रिएटिव मोड है क्या, इतनी जल्दी टूट गई। नहीं नहीं नहीं, पानी ने बचा लिया, पर अब नीचे गिरना पड़ेगा। हम ये नहीं लेके गिरेंगे, हम लेके गिरेंगे एक वुड। तब जितनी भी हमारे पास वुड पड़ी है ना, इनसे हम बनाएंगे प्लैंक्स, उनसे बनाएंगे हम स्लैब्स। और इस आइलैंड को एक्सटेंड करके आज एक कोबलस्टोन फार्म बनाना है, वहीं पे वीडियो ख़त्म कर दूंगा। स्लाइम मिल चुका है हमको, 9 स्लाइम्स मिल गए। डायमंड में गलती से भी कुछ गलत नहीं बनाना चाहता मैं, ये बताओ तो गलत ना बन जाए कुछ। सारे के सारे वुड को मैं स्लैब में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आगे जाके और लेंगे ज़रूरत पड़ी तो। तो इन स्लैब्स को हम लेंगे नीचे की तरफ को यहाँ पे। और यार मैं डायमंड को वेस्ट चीज़ में यूज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डायमंड को अंदर रख रहा हूँ। स्लाइम ब्लॉक को भी, और आयरन ओर को स्मेल्ट ऑन लगा देते हैं ऐसे, गोल्ड बाद में लगा देंगे। अब इस पानी को हम बाद में लेंगे, और ना मैं इसको लोअर हाफ से लगाना चाहता हूँ इस साइड पे ना ऐसे। पर मैं नहीं चाहता इस पानी की फ्लो की वजह से मैं नीचे चले जो भी है बनाते वक्त। ऐसे वैसे यार मैं सारी साइड क्यों एक्सटेंड कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं समझ आ रही। मैंने सिर्फ कोई एक ही साइड एक्सटेंड करने वाला हूँ, वो है ये वाली साइड को, इस आइलैंड को एक्सटेंड करने वाला हूँ कोबलस्टोन फार्म के लिए। 3 करूँगा आगे को,
अब इन सभी को ज्वाइन करेंगे हम ऐसे 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 नहीं चाहता था मैं, ऐसे ऐसे कह तो रहा हूँ, मैं ऐसे चाहता नहीं था जैसे ये लग गया। इसके लिए टाइम लैप्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इतना सही है काम, जो कि बहुत ज़्यादा बनी जा रहा है मेरी गलतियों की वजह से। इधर आ जा यार। अच्छा मेरे पास एक्स है, वरना ज़्यादा खप होती है। और इस डर्ट को भी हम लेंगे, इस डर्ट को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। डर्ट आ जा मेरे हाथों में, नीचे ना गिरियो, वेरी गुड। और इस डर्ट को लगाएंगे हम ऐसे, इसके नीचे लगाएंगे एक स्लैब। और अब मैंने सारों को स्लैब में कन्वर्ट कर ही दिया है। नहीं यार, मेरे को ना कोई ऐसे मटेरियल चाहिए जो कि लावा से जले ना, और मैं सारा कुछ वुड से कर रहा हूँ। वाह बच गया, इसलिए मेरे को ना अब चाहिए डर्ट ब्लॉक्स, सिर्फ डर्ट ब्लॉक्स। और हमारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है, वेरी गुड। गोल्ड अंदर रखेंगे। यार मैं ना एक काम करता हूँ, एक और बकेट बना लेता हूँ, ये पानी भी वेस्ट ना हो जाए कहीं यहाँ वहाँ गिर के। बनाएंगे एक बकेट। प्रोग्रेस हो रही है हमारी इसमें, बहुत खुशी हो रही है मेरे को, वेरी गुड। ऐसी चलती जाइए गेम यार, मज़ेदार है ये, आप भी खेल के देखो एक बार, सेलिब्रेट इतना मज़ा आएगा। मेरे ऊपर की मैंने चीज़ें कभी देखी नहीं, यहाँ पे गोल्ड है। अरे यार मैं ऊपर बिल्ड कर करके जा सकता हूँ, ऐसे सही बताऊँ तो। मेरे पास जितने भी डेकोरेशन ब्लॉक्स पड़े हैं ना, मैं घर घर तो इधर बनाने नहीं वाला हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। ये सारे डेकोरेशन ब्लॉक्स जिस टाइप के भी हैं, कंक्रीट पाउडर तो नीचे की साइड रहता है, एंडेसाइट, ये हो गया, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बनाने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। ऐसे 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 और फिर ऐसे, यहाँ पे पानी नीचे को भी गिरेगा। और मेरे पास एक्स पड़ी है, फिर भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, पागल वाली हरकतें। यहाँ से पानी नीचे गिरता रहेगा। और यहाँ पे हमको लगाना डार्क प्रिज्मरीन, यहाँ पे क्यों लग गया यार। इसके ऊपर हम पानी छोड़ेंगे, इसके ऊपर हम लावा छोड़ेंगे। अरे यार वैसे मैं सही बताऊँ ना, यहाँ पे डार्क प्रिज्मरीन की ज़रूरत नहीं है, पानी हम यहाँ पे छोड़ेंगे, इसके अंदर की साइड को जाएगा, लावा यहाँ से आएगा और इधर को जाएगा। बस यार वुड ना जले, मेरे को ये टेंशन है। मैं सही बताऊँ ना, मैं पानी ले रहा हूँ, एक बार देखना है मेरे को सही चलेगा कि नहीं ऐसे। नहीं यार इस साइड को गिरना चाहिए इसको, मैं ना सही बताऊँ तो मेरे को ब्लॉक्स चाहिए और ज़्यादा। पर यार ये गोल अब रखा है ना, तो करना तो पड़ेगा ही, मेरे को सिर्फ एक और ब्लॉक चाहिए कहीं से भी। मैं गिरते गिरते जाता हूँ और बाद में मैं गिर जाऊँगा वो ब्लॉक मिलते ही। मैं बस जंप लगा रहा हूँ ग्रास ब्लॉक तक, ज़्यादा ही रिस्क कर दिया था, लग जाना था वैसे तो। यार ऊपर देखना मैंने, यार ऊपर बहुत ही ज़्यादा ना, वही तो बात है, तोड़ू भी तो कैसे। कोबल स्टोन है यार ये वाला स्टोन, अगर मेरे को मिल सकता है तो। नहीं, बुक शेल्फ से बुक मिलेगी। ये वुड है यहाँ पे, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द वुड, वेरी गुड। और इसको मैं प्लैंक्स में कन्वर्ट करके लगा रहा हूँ, पता क्यों? क्योंकि ये तो पानी के आसपास ही लगाने हैं, ये शायद से ना जलें, तो हम इसको लगाएंगे बिल्कुल ऐसे। और स्लैब शायद से मैंने रख दिए थे सारे के सारे, हर बार की तरह। कोई ना कोई प्रॉब्लम मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे भी लग गया ऊपर से ये प्लैंक ना, वेस्ट। ऐसी चीज़ें तो अंदर रखनी नहीं चाहिए।
शांति से काम करना पड़ेगा मेरे को, फिर होएगा। यहाँ से पानी अंदर जाना है ऐसे, इस साइड को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। थोड़े से स्लैब्स हैं यहाँ पे भी लगाएंगे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे प्रिज्मेरियन लगा देंगे ना यार, एक वुड ब्लॉक बहुत है। लावा भी तो यार एक ब्लॉक ऊपर लगाना पड़ेगा। कहाँ को लग गया यार, गुस्सा दिला रहे हैं फालतू में ये ना गेम वाले, फालतू सी मोमेंट को रेज मोमेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं ये। अब ये लावा अगर गलत जगह डल गया ना तो पंगा पड़ जाना। लावा तो चलो डाल दिया, पर नीचे स्लैब है। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, मेरे को लगा ही था यार, मैं भी पागल वाली हरकतें करता ही क्यों। सारा प्लेटफॉर्म जल रहा है मेरा, मैं भी जलूंगा। हो ही जाने दो स्लैब से वे, सारा प्लेटफॉर्म जल गया मेरा। ऑफ कोर्स यार जलेगा ही ना यार, मैं ही पागल वाले काम कर रहा हूँ। वुड के ऊपर लावा कौन रखता है। गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं ना अगले एपिसोड में बनाऊंगा, बड़ी दिमाग खपाई हो रही है इसकी वजह से। हमको ना इसके लिए बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, या फिर यार मैं कोबलस्टोन जनरेटर ये अपने मेन आइलैंड पे बना सकता हूँ ना। ये सारा कुछ सामान तो मैं आगे भी ले जा सकता हूँ, मेन आइलैंड में इतनी तो जगह है ही है कि मैं बना पाऊँ। क्राफ्टिंग टेबल, अच्छा ये रहा, इन ब्लॉक्स को रहने दो यहीं पे, बाद में लेंगे इनको। अच्छा गोल्ड इनगट में कन्वर्ट भी हो गया था। एक भी सामान नीचे नहीं गिरना चाहिए, सही बताओ ना यार, सामान ले लूँ। मैं नहीं चाहता कुछ भी नीचे गिरे बेफालतू में, मेरे साथ तो गिर भी गया तो कुछ नहीं होता। रोटन फ्लैश पे लेंद रखेंगे, मेन मेन चीज़ें लेते हैं जैसे कि डायमंड, ये 19 फ्लैश वेस्ट कर दें यार, इन गट्स को मिक्स करते हैं और इसको भी लेते हैं। चलो भाई सारी चीज़ें होगी अब तो ठीक, और हमारी चेस्ट नीचे गिर चुकी है मेरी गलती के कारण। कुछ नहीं होता यार, लगा देते हैं यहीं पे। सारा सामान ना फटाफट से अंदर रखते हैं जितना भी है, मेन मेन सामान सारा अंदर रख देंगे फटाफट से। यार कोबल स्टोन जनरेटर बनाने में ना इतनी दिमाग भाई उधर भी नहीं होती है, स्काई ब्लॉक में इतनी इधर हो रही है। मैं तो यार इसको बड़ा सही समझ रहा था, कोई नहीं सही सही है ये। फर्नेस नीचे लेंगे हम और इसको भी कहीं ना कहीं लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, इधर रखते हैं और बाकी सारी चीज़ें ऐसे रहें। अब हमारा ये वाला आइलैंड खाली हो चुका है ना, मेरे को इसके आसपास ये वाले ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे लेके, और बेड ड्रॉप तो चलेगा नहीं पक्का, और डर्ट हमारी जा चुकी है। थैंक यू फॉर गिविंग मी माय ब्लॉक। लावा के चक्कर में हर बार प्रॉब्लम होती है, कभी भी लावा के चक्करों में ना फंसा करो, टिप है आप सबके लिए एक ना एक। लावा के चक्कर में कभी भी मत फंसो, ये आपके लिए टिप। इसको लगाएंगे यहाँ पे,
यार ये जलता भी है तो जल लेने दो एक प्लैंक, क्योंकि इसके ऊपर तो हमको ये लगाना ही है। अब यहाँ पे जाएगा हमारा लावा, यहाँ पे हमको सामान डालना है। यार मैं पानी नीचे की साइड फ्लो कैसे कराऊंगा यार, कोई इतना बता दो मेरे को, गुस्सा आ रहा है फालतू में यार। मैं ऐसे ही इधर रख रहा हूँ ऐसे ही। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी भी बड़ी मत थक पाई है। मैं आपके सामने बनाऊंगा, वादा करता हूँ, रिसोर्सेज भी सारा आपके सामने इकट्ठे करूँगा। यहाँ पे हम लावा इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे पानी हमको नीचे फ्लो कराना है, तो आगे का काम हम अगले एपिसोड में कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगर आप चाहते हो मैं जल्द से जल्द इसकी फिर से एक और एपिसोड लाऊं, या अगर आप चाहते हो मैं और किसी गेम की वीडियो बनाऊं जो कि मैं रोक चुका हूं, तो आप वो भी बता सकते हो क्योंकि मेरी बहुत सारी सीरीज स्टार्ट हो रखी हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। सो इस वीडियो के लिए इतना, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।